हैदराबाद से आए बाबूसर टॉप पे आए हमें ये बहुत मज़े की जगह है अभी बर्फ़ ख़त्म हो रही है ग्रीनरी है बर्फ़ की है ठंड की है बहुत मज़े का मौसम है सैर सपाटे के लिए आए हैं और ये तारीख में पहली दफ़ा जो है 5 जून को ये रोड खुल गया इससे पहले ये 25 और 30 को खुल रहा था और सेहत के फ़रोग के लिए हुकूमत ने इसको जल्दी जो है वो रोड खोल दिया है और सयाह बाबूसर टॉप की सैर करेंगे ये रोड जो है 7-8 महीने तक शायरा कराकुरम की तरफ खुलता है इसमें हर ट्रैफिक चलते सयाह बहुत आते हैं बर्फ ही बर्फ है जहाँ बर्फ नहीं पड़ी हुई है वहाँ ग्रीनरी है इतना खूबसूरत है और सयाहों का रश है सबसे बड़ा जो मसाइल है हॉस्पिटल का मसाइल है इधर फिलफोर हॉस्पिटल का निज़ाम किया जाए हॉस्पिटल सबसे बड़ा फुकदान का मसाइल है तो इधर गिलगित बल्तिस्तान वाले जो सीम साहब हैं हमारे उससे मुतालबा है पूरे आवाम का मुतालबा है इधर से टॉप से लेके बाबसर से लेके कागान तक नारान तक कोई हॉस्पिटल का निज़ाम नहीं बिलखसूस गेटदास के अंदर 20 बेड या 30 बेड का हॉस्पिटल का निज़ाम कायम किया जाए मुसाफिर आते हैं उनको मसाइल होता है कोई हार्ट का मसाइल आता है कोई शुगर का मसाइल कोई ब्लड प्रेशर का मसाइल होता है एक्सटेंड का मसाइल होते हैं लेकिन इधर कोई मसाइल नहीं तो हमारे सीम साहब से मुतालबा है कि इधर फिलफोर हॉस्पिटल का निज़ाम कायम किया जाए हम लोग यहाँ पे तकरीबन 4 महीने रहते हैं हम लोग तकरीबन जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों का ये होता है कि अस्पताल ना होने की वजह से हम लोगों को तकलीफ मसले होते हैं कोई बीमार हो जाए तो हम लोगों ने यहाँ से 2 घंटे की मसाफत करनी और चिलास जाना है यहाँ पे हम लोगों के पास ये दवाई का मसला होता है और माल मवेशी हम लोगों का होता है यहाँ पे खुला चरागाह में बीमार हो जाता है उसके लिए हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है सबसे मेन जो मसला है वो बिजली का है यहाँ पे हमारे पास कोई बिजली का इंतज़ाम नहीं है हम अपनी लकड़ी देसी निज़ाम पर चल रहे हैं तो हम लोगों का गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हम लोगों को यहाँ पे पन बिजली निज़ाम लगा के दिया जाए जिससे हम लोगों को लाइट का इशू ना हो